यही वो जगह है, यही वो फिजाएं, यहीं पर कहीं आप हम से मिले थे, इन्हें हम भला किस तरह भूल जाएं, यहीं पर कहीं आप हम से मिले थे। वेरी गुड। जा बच्चे, तू तो पास हो गया, अब जाकर खाना खा ले। नेक्स्ट। ओए हाँ यार तू जल्दी, क्या नाम है तेरा? सर आलोकेश। आलोकेश फ्रॉम? अब तेरा नंबर है। बोल बेटा कौन सा गाना गाएगा? जिंगारी गोई भड़के, सीने से आग जलाए, सावन जो आग लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए, उसे कौन। अरे स्टॉप इट यार। बस 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 बस, इससे पहले कि हमारे कान फट जाएं, गधों की तरह रेंकना बंद कर। अच्छा यार एक चीज बता, अगर नाच गाना नहीं आता तो आता क्या? मैं जानता हूँ क्या कर सकता। कार्तिक ये हमारे लिए गर्ल्स हॉस्टल जा सकता है। गर्ल्स हॉस्टल? यस गर्ल्स हॉस्टल, अभी और इसी वक्त, समझा? हमारा लव लेटर लेकर तू गर्ल्स हॉस्टल जाएगा, वहां पर एक लड़की है अनीता, वो लेटर तू उसको देगा, उसका रूम नंबर है 105, समझा? कमरा नंबर 105, और वहां जाकर अनीता का साइन भी लेके आना। ये ले लव लेटर और अनीता से इसको साइन करवा कर ला। अगर तूने इस पर साइन नहीं करवाया ना तो समझ तेरा गेम ओवर, ये कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, सर आप लोग ऐसा मत कीजिएगा सर, प्लीज सर, मुझे मुझे कॉलेज से मत निकालो सर, प्लीज, मेरे मेरे माँ बाप सुनेंगे तो शौक से मर जाएंगे सर, मैं उनका उनका सपना हूँ सर, ये ठीक है सर, मैं आपका ये लेटर अनीता को पहुंचा दूंगा। कर रहे हो? पूजा अपनी रैगिंग पूरी करवा रहा हूँ। रैगिंग? हाँ, मेरे सीनियर से ऑर्डर दिए कि ये लव लेटर जाकर मैं किसी अनीता को देकर आऊँ, रूम नंबर 105 में। रूम नंबर 105? आलोकेश मेरी मानो तो ये लेटर वेटर भूल जा और तुम वापस चले जाओ। नहीं, मैं लेटर दिए बगैर वापस नहीं जा सकता, वरना वो लोग मुझे बहुत परेशान करेंगे। नहीं देखो जिद मत करो, अनीता के कमरे में जाना एक बेवकूफी है। नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगा, जब तक मैं लेटर नहीं दे दूंगा मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, बस मैंने कह दिया ना, वरना नहीं वरना वो लोग मुझे कॉलेज से निकाल देंगे, मुझे जाने दो पूजा प्लीज। Thank you.
नीता मैडम, अनीता मैडम, अनीता मैडम, कहाँ फंस गया मैं? अनीता मैम, अनीता मैडम, अनीता दीदी, अनीता दीदी, अनीता मैम, अनीता, सुनो 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 सोचो अलोकेश का क्या हाल हुआ होगा वहां पे, चिल्लाया होगा वो, फिर वार्डन आई होगी और पकड़ा गया होगा वो, जिंदगी भर याद रखेगा कि हमसे पाला पड़ा है। मुझे तो लगता है कि वापस ही नहीं आएगा, उस फीमेल वार्डन ने उसे इतने जूते मारे होंगे कि सीधा हॉस्पिटल चला गया होगा। हॉस्पिटल नहीं, सीधा पुलिस स्टेशन, बिना इजाजत गर्ल्स हॉस्टल एंटर करने के जुर्म में। अबे वो तो आ रहा है। कौन? कौन? अलोकेश। काफी खुश लग रहा है, लगता अनीता ने कुछ नहीं किया। स्ट्रेंज, वार्डन की पिटाई के बाद भी कोई असर नहीं? सर आपका काम हो गया। साइन किया अनीता ने, लाए हो रिसीट? ये रही, और नंबर प्लेट भी। मगर अनीता ने कुछ नहीं कहा? नहीं, एक और चीज दी है अनीता की, एक और निशान। ये क्या है? अनीता का दुपट्टा। तुम तो इसे अच्छी तरह से जानते होंगे। आप लोगों की रैगिंग खत्म हो गई हो तो क्या मैं अपने रूम में जा सकता हूं? एक्सक्यूज मी। ये कैसे हो सकता है? अनीता का दुपट्टा, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कार्तिक, मुझे लगता है अनीता के कमरे में गया ही नहीं, क्या मैं बेवकूफ बना रहा है? तो फिर रिसीट और दुपट्टा ये कहां से लाया? ये तो सोचने वाली बात है। कहां चला गया लोकेश? उसे तो मैं पूछ के रहूंगा कि सच क्या है। वो मेरा ऐसा लल्लू नहीं बना सकता। क्या हुआ सिम, ढूंढ रहे किसी को? हे पूजा, हाँ लोकेश को ढूंढ रहा हूँ। ओ, कल रात जो तुम लोगों ने उसे अनीता के कमरे में जाने के लिए कहा, अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने। तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पता है वो कितना डरा हुआ था? Come on, पूजा, इसमें डरने वाली क्या बात है? इतना आसान सा काम तो दिया था हमने उसको। इतना आसान सा काम? तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि अनीता के कमरे में जाना कितनी बड़ी बेवकूफी है। Stop it यार, I don't need your lectures. वैसे परेशान कर रखा है। अलोकेश, 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 तू रोहित और कार्तिक को बेवकूफ बना सकता है लेकिन मुझे नहीं। मुझे तेरी कल रात वाली किसी बात पर यकीन नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। अबे ओए, अपना ड्रामा बंद कर, चल चल चल, बता उस रात कमरे में क्या हुआ था। अरे जो कुछ हुआ सब बता तो दिया तुम लोगों को। मुझे तो क्या लंगूर समझता, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तो अनीता से मिला ही नहीं। मिला ही नहीं? तो फिर वो दुपट्टा कहां से आया? यही तो मैं तुझसे पूछ रहा हूं कि वो दुपट्टा कहां से आया। तुम जाकर अनीता से खुद क्यों नहीं पूछ लेते? सारी दुनिया जानती है कि अनीता मर चुकी है, उसने आत्महत्या की थी। हाँ मुझे मालूम है, उसने आत्महत्या की थी। क्या? उसने मुझे खुद बताया है। क्या? हाँ
अनिता ने मुझे यह भी बता दिया है कि उसने आत्महत्या किसकी वजह से की है। बहुत बेचैन है तुम तीनों से मिलने के लिए। हम तीनों से मिलने के लिए? हाँ, और आज रात 12 बजे इसी बिल्डिंग के टेरेस पर वो तुमसे मिलेगी। ठीक 12 बजे। अच्छा, वो मिलेगी टेरेस पर? अनीता ने बताया तुझे? हाँ, उसने कहा तुम तीनों को बता दो। तो कल रात को क्यों नहीं बताया तूने मुझे? तुम लोग मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहे थे कि अनीता है कि भी नहीं, और अगर विश्वास नहीं है तो जाकर टेरेस पर क्यों नहीं देख लेते? आज रात 12 बजे। सीनियर से बकवास करता है, दू क्या कान के नीचे? चल बंद कर अपनी ये फेकम फाकी। क्या ये भी फेकम फाकी है कि जिस दिन अनीता ने आत्महत्या की थी उस दिन तुमने कुछ जलाया था? बोलो, याद है ना तुम्हें? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। डराने की कोशिश मत करो, मैं जानता हूं कि तुम आलोकेश हो। मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। देखो, मैं तुम्हारी बातों से डरने वाला नहीं हूं। बंद करो मजाक, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं तो तुम ये कैसे हो सकता है? तुम मर चुकी हो मगर तुम्हें मारने आई हूं। अनीता प्लीज, अनीता मैंने कुछ नहीं किया, अनीता मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। मैं जिंदगी से बहुत उदास और परेशान हूँ, क्योंकि मैंने प्यार में धोखा खाया, जिसकी वजह से मुझे बहुत बदनामी सहनी पड़ी। मैं पूरे होश और हवास में इन सब का और मेरी मौत का जिम्मेदार कार्तिक को मानती हूँ। चाहिए था क्या? अरे तुझे तो केमिस्ट्री नोट चाहिए, बुकशेल्फ पर रखे, ले ले।
हशीम, हशीम, अरे यार तू टेढ़ा क्यों हो रहा है? तो आज आलोकेश से मिलने वाला था ना, उसने अनीता के रूम के बारे में कुछ बताया या नहीं? तू ऐसे क्यों देख रहा है यार? आर यू ओके? कुछ बोलता क्यों नहीं? आलोकेश से मिला या नहीं? हाँ मिला था आलोकेश से। लड़की की आवाज, कुछ गड़बड़ है वरना हाशिम, कहीं कहीं हाशिम और आलोकेश के बीच कुछ हुआ तो नहीं? मुझे पता लगाना होगा। रोहित, 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 क्या हुआ कार्तिक? रोहित तुझे पता क्या हुआ? हशीम आया था और पता नहीं उसे क्या हो गया यार, वो लड़की की आवाज में बात कर रहा था। लड़की की आवाज में? हाँ यार, और उसका चेहरा भी टेढ़ा हो गया। कोई बड़ा मजाक कर रहा है क्या? जब से वो आलोकेश से मिलकर आया ना, तभी से उसे कुछ हो गया। शायद तेरा वहम है। अरे कैसा वहम यार, वो मेरे कमरे में आया था, मुझे अजीब तरीके से देख रहा था और तुझे पता है वो अनीता की आवाज में बात कर रहा था। अनीता की आवाज में? मुझे लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तू बहकी बहकी बातें कर रहा है। मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ यार, और मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। अगर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो चल अपनी आंखों से देख ले। कम क्या सोच रहा है यार? ओके आज वैसे चलो। ये तो सो रहा है यार। हाशिम, 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 हाशिम उठना, हाशिम, हाशिम, हाशिम उठना, हाशिम, 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 हाशिम। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, अब तुम्हारे गुनाहों का पर्दा जल्दी ही उठने वाला है। ये तू क्या मजाक कर रहा है यार? तुम्हारे किए की सजा तुम्हें बस मिलने ही वाली है। ये तो लड़की की आवाज कहां से निकाल रहा है? हाशिम, ये ड्रामा बाजी क्या कर रहा है यार? हाशिम, 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 हम तेरे दोस्त हैं यार। हाशिम, क्या हो गया तुम्हें? नहीं, कोई है? राजेश, राहुल, जल्दी आओ। हाशिम, रिलैक्स। हाशिम, 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 रिलैक्स। हाशिम, 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 उस लोकेश की चाल है, बदला लेना चाहता है वो उनसे। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उसी ने हशीम को अपने साथ मिलाया है ताकि वो हमें परेशान कर सके। ये सब ड्रामा है हम दोनों का, ये लड़की की आवाज वगैरह, उसको तो मैं ठीक करता हूं। तू बस ये पता लगा करा कि आलोकेश का बच्चा है कहां। आलोकेश, आलोकेश जी, आलोकेश कहां है? वही जी, कल से मैंने भी नहीं देखा उसे, लेकिन कल वो हशीम के साथ था। उसके बाद वो कहां गए मुझे पता नहीं, लेकिन आप अशीम से पूछ लीजिए, उसे ही पता होगा। कल से आलोकेश रूम पे नहीं आया? नहीं, इनफैक्ट मैं भी हैरान हूं कि वो गया कहां।
देखिए, मुझे लगता है कि इसने कोई बहुत भयानक सपना देखा है और इसी वजह से ये ऐसी हरकत कर रहा है। आई थिंक आप ठीक कह रहे हैं। आपको क्या लगता है ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? इसे आराम की सख्त जरूरत है। आप इसे इसकी फैमिली के पास भेज दीजिए। मेरे ख्याल से माहौल बदलेगा तो ये सब कुछ भूल जाएगा। ठीक है डॉक्टर, हम ऐसा ही करेंगे। मगर डॉक्टर, अशिम की आवाज को क्या हो गया है? वो लड़कियों की तरह क्यों बोल रहा है? कभी कभी डर की वजह से भी ऐसा होता है। हमारे अंदर बहुत सारे उल्टे सीधे विचार छुपे रहते हैं और किसी शौक की वजह से वो सब बाहर आ जाते हैं। पर ये ठीक तो हो जाएगा ना? क्यों नहीं ठीक होगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आप लोग जल्द से जल्द इसे घर भेजने का इंतजाम कीजिए। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, ठीक है? जी डॉक्टर। कार्तिक जी, तुम्हारे पास अशीम के घर का नंबर? जी हाँ, वो मैंने डायरी में लिखा हुआ है। तो चाहो लेकर ला दो। गो। ये क्या? बदला अशीम, बदला बदला अशीम, तुम्हें क्या हो गया? अपने आप को संभालो अशीम। बदला लेना है मुझे। कार्तिक को उसके किए की सजा दिलवानी है मुझे। तुम कैसी बातें कर रहे हो? होश में आओ अशीम। बदला लेना है कार्तिक से, वो तो तुम्हारा दोस्त है। बदला लेना है मुझे कार्तिक से, बदला। डॉक्टर आप देख रहे हैं ना इसे क्या हो रहा है? अशिम रिलैक्स, रिलैक्स अशिम। उसी ने मेरी मौत को एक राज दिया है। जब मैंने आत्महत्या की तो एक लेटर लिखा था। वो लेटर उसकी ब्राउन डायरी में है। मुझे वो लेटर चाहिए। मुझे वो लेटर चाहिए। लेट मी चेक। बदला लेना है मुझे। कार्तिक को उसके किए की सजा देनी है मुझे। अशिम देखो, तुमने जो सपना देखा उसे भूलने की कोशिश करो। अभी चुप कर डॉक्टर के बच्चे। मैंने कहा ना मुझे लेटर चाहिए, क्योंकि वो लेटर ही साबित कर सकता है कि मैंने आत्महत्या क्यों की। मुझे वो लेटर चाहिए। जाओ वो लेटर लेके आओ। एक लड़का, लड़की की आवाज। डॉक्टर, डॉक्टर कंट्रोल योरसेल्फ। डॉक्टर एक लड़का लड़की की आवाज कैसे निकाल सकता है? अशीम डॉक्टर आप देख रहे हैं ना इसे क्या हो रहा है? लड़की की आवाज कैसे निकाल सकता है? कुछ गड़बड़ है। खराब होती जा रही है। अशीम लेटर चाहिए। अशीम मुझे वो लेटर चाहिए। अशीम संजीव जल्दी से मेरे चैंबर में लेटर लेके आओ, फास्ट लेटर लेके आओ। मैं जिंदगी से बहुत उदास और परेशान, क्योंकि मैंने प्यार में धोखा खाया है, जिसकी वजह से मुझे बहुत बदनामी सहनी पड़ी है। मैं पूरे होश हवास से इस सब का और मेरी मौत का जिम्मेदार कार्तिक को मानती हूँ। ये तो अनीता का सुसाइड नोट है, मगर ये यहाँ कैसे? अगर किसी ने इसे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। कार्तिक को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। ये काम आपको ही करना होगा सर। कार्तिक को सजा मिलनी चाहिए। वो सुसाइड नोट कार्तिक की ब्राउन डायरी में। मुझे वो सुसाइड नोट चाहिए। वो लेटर चाहिए मुझे। डॉक्टर, डॉक्टर मुझे अशीम की पूरी बात सुनिए। जो कुछ भी कह रहा है उसमें कितना सच है इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। अशीम, कार्तिक की ब्राउन डायरी में मेरा सुसाइड नोट रखा है। कार्तिक की अनीता का खूनी है, उसे सजा दिलवाओ, उसे सजा दिलवाओ। ये बार बार किस लेटर की बात कर रहे हैं? डॉक्टर मुझे एक बार जाकर कार्तिक की डायरी चेक कर लेनी चाहिए। देखे तो सही वो लेटर वहां है कि नहीं। कार्तिक
मुझे तुम्हारा कमरा चेक करना है। मगर क्यों सर? आप कुछ ढूंढ रहे हैं सर? मुझे तुम्हारी वो ब्राउन डायरी चाहिए। सर डायरी तो वो रही। वो लेटर कहाँ है जो अनीता ने लिखा था? कौन सा लेटर सर? अनीता मुझे लेटर क्यों लिखेगी? इनफैक्ट मुझे किसी लेटर के बारे में कुछ नहीं पता। सर लगता है आप भी अशीम की बातों में आ गए। इस डायरी में तो वो नंबर है जो आपने मुझे लाने के लिए कहा था। पता नहीं सर अशीम को क्या हो गया, वो मजाक पर मजाक किए जा रहे। मुझे अभी आशीम को चुप कराना ही होगा और ये पता लगाना होगा कि आलोकेश अनीता के सुसाइड के बारे में क्या जानता है। कहाँ गया आलोकेश का बच्चा? मुझे लगता है भाग गया डर के। मगर पता तो लगाना ही होगा ना कि आखिर वो गया कहाँ। उसे ये सब पता कैसे चला जो आज तक किसी को नहीं पता? वो कोई खेल खेल रहा हमारे साथ। मुझे तो लगता है वो अशीम भी मिल गया उसके साथ। यार मुझे भी इसी बात का डर है। मगर अशीम फंस कैसे गया उसके चक्कर में? अरे अशीम तो एक कठपुतली है, जो चाहे वो उसे वैसे ही भगा सकता है। तो अशीम से क्यों नहीं पूछता कि कल हुआ क्या था जब आलोकेश से मिला था? तो खुद क्यों नहीं पूछ लेता? अरे नहीं यार, वो मुझे देखते साथ ही पालरूंग तक कूद पड़ता जैसे मुझे खा जाएगा। इस बार तुझे ही पूछना पड़ेगा, प्लीज। ओके मैं ही कोशिश करता हूँ। अरे रोहित तुम? सर मैं वो बस अशीम को देखने आया था। चलो अच्छा हुआ, मैं चलता हूँ, तुम इसका ख्याल रख। यस सर। अशीम अब ठीक है ना? ठीक हूँ मैं। तुम लोगों को भी उसी तरह सजा मिलेगी जैसे यहां मुझे मिल रही है। सजा को छोड़, मुझे तो तुझ पे इतना गुस्सा आ रहा है कि पता नहीं जब से उस बेवकूफ आलोकेश से मिला है तब से ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। बक नहीं रहा हूं, तुम लोगों को सावधान कर रहा हूं। एक बार जो गलती कर चुके उसे दोबारा मत करो। और हाँ, कार्तिक की तरफदारी करना बंद करो वरना बहुत पछताओगे। पछताओगे तो तुम और तुम्हारा वो बेवकूफ दोस्त आलोकेश। सीधे सीधे बताओ मुझे कहाँ छुपा है वो? मेन बिल्डिंग की छत पर अनीता के साथ। क्या अनीता के साथ? मुझे लगता है तेरी तबीयत के साथ साथ तेरा दिमाग भी हिल गया है, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। अनीता की एक और निशान है। ये क्या है? अनीता का दुपट्टा। नहीं नहीं कुछ नहीं। अनीता के बारे में क्या बात कर रहे थे? नहीं कुछ नहीं पूजा। रोहित मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कार्तिक मुझे लगता है अशीम ठीक कह रहा है, अनीता की आत्मा वापस आ गई है। अरे डर के मारे तो दिमाग खराब हो गया जो ऐसी बातें सोचा, भला मरकर भी कोई वापस आता है बेवकूफ कहीं का। लेकिन अनीता वापस आ गई है, अशीम सच कह रहा है। सच तो एक से डर लग रहा है ना। लेकिन कार्तिक मेरे ख्याल से आलोकेश को हमारे राज के बारे में पता चल गया है और वो पूजा के साथ मिलकर हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। नहीं मगर अगर मगर छोड़ो, चलो मेरे साथ कम।
अलोकेश कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अशीम ने तो यहीं पे बोला था। वो देख, वो रहा। कम हीरो, तेरा ड्रामा बहुत हुआ। ये आत्मा का नाटक छोड़ और साफ साफ बता ये चक्कर क्या है। अब की बार अनीता तुम्हें नहीं छोड़ेगी और इस बार वो अपना बदला लेकर रहेगी। अच्छा, जैसा हाल तुमने उसका किया था ना, वैसा तुम्हारा होगा। अच्छा, तुझे कैसे पता ये सब? हाँ, अनीता ने खुद मुझे बताया। बकवास है ये सब। अनीता मर चुकी है और मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते, तो अनीता तेरे पास वापस आके ये सब कैसे बता सकती है? ये लो। क्या ये? इससे तुम्हें सब पता चल जाएगा। कहां से मिला ये? मैंने कहा ना, अनीता ने दिए हैं मुझे। बस बंद करो अपना ये बकवास। भला मरी हुई लड़की फोटो कैसे दे सकती है? और अशीम को तूने अपने जाल में कैसे फंसाया? सच सच बताओ मुझे, तुमने ये फोटो कहां से चुराई? मेरी बात मान जाओ वरना बहुत पछताओगे। उस रात तुम ही गए थे ना अनीता के कमरे में? हाँ, तो चुपचाप बताओ मुझे उस रात अनीता के कमरे में क्या हुआ। बताओ अनीता ने आत्महत्या कैसे की थी। ठीक है, तो चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? वही रूम नंबर 105, कमरा नंबर 105। क्या? हाँ, यही एक रास्ता है सच जानने का। मगर हम अंदर जाएंगे कैसे? वैसे जैसे उस दिन मैं गया था। पे पता चला कि दरवाजा तो पहले से खुला हुआ था और अनीता वहां बेड पर सोई हुई थी। कहां? वहां बेड पर। फिर मैं डरते हुए दबे पांव अंदर गया अनीता के पास। धीरे धीरे मैं अनीता के पास गया। आकर मैंने पहले उसे जगाने की कोशिश की। अनीता, वो एक सड़ी हुई लाश थी। वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन था। उसे देखकर मैं इतना डर गया कि मेरे सीने में अचानक दर्द होने लगा और मैं बहुत दर्द हुआ और मैं आलोकेश, हो गया तेरा? आलोकेश बस कर यार। आलोकेश, तुम ये? हाँ कार्तिक, लेकिन मैं तो मेरी जान ले ली। अब तुम्हारी बारी है जान देने की। इसकी कीमत चुकानी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा ऐसा। ऐसा ही होगा कार्तिक। अनीता ने मेरा सहारा लिया तुमसे बदला लेने के लिए। अब उसका बदला पूरा होगा, पूरा होगा। मैं
मैं तो मजाक कर रहा था। ये सब तुम्हें डराने के लिए क्या था लोकेश? मजाक ने मेरी जान ले ली। अनीता, तुमने मजाक किया होगा मगर मैं मजाक नहीं करूंगी। मैंने तुमसे प्यार किया था और तुमने मुझे धोखा दिया। क्यों कार्तिक, क्यों धोखा किया तुमने मेरे साथ? अनीता, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। क्यों कार्तिक, क्यों माफ कर दो तुम्हें मैं? पर मैं, मुझे जाने दो, मैंने क्या किया? आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।